नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर रेलवे के मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर जज सिंह अन्ना के साथ रेल यात्रियों ने स्टेशन पर सुहेल देव एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर और जौनपुर से प्रयागराज संगम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जो मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर घंटों खड़ी रहती है को समय सारणी में परिवर्तित कराने की मांग की। सुबह जौनपुर से 5:30 पर चलाने की मांग को लेकर मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया और स्टेशन मास्टर काफी रेल यात्रियों के ऊपर क्रोधित हुए और अनाप शनाप कहने लगे, जिससे रेल यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को ललकारा और चेतावनी दी कि रेल यात्रियों की मांगे नहीं मानी जाती है। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर सुहेल देवी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं किया जाता है और जौनपुर से प्रयागराज संगम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को सुबह 5:30 पर चलाने की मांग नहीं मानी जाती है तो रेल यात्री अक्टूबर के अंत में या नवंबर के प्रारंभ में बड़ा रेल रोको आंदोलन की घोषणा करते हैं। और जज सिंह अन्ना संघ रेल यात्रियों और स्टेशन मास्टर मड़ियाहू से काफी नोकझोंक हुई, गर्मा गर्मी हुई, रेल यात्री अपनी मांग पर अड़े रहे। जौनपुर से पंकज मणि तिवारी की रिपोर्ट। ये मड़ियाहू रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जौनपुर से चलकर प्रयाग घाट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन ये 100 वर्षों तक 5:30 से जौनपुर से चलाई जाती थी और जम्हई जंक्शन पर क्रॉसिंग होता था और 9:30 तक इलाहाबाद पहुँच जाती थी। इलाहाबाद के सारे कामकाज ये हमारे रेल यात्री करके फिर शाम को वापस आते थे और अब इलाहाबाद ना हाईकोर्ट पहुंच पा रहे हैं, ना इलाहाबाद अस्पताल पहुंच पा रहे हैं और ना ही इलाहाबाद छात्र पढ़ने जा रहे हैं। कचहरी, कोर्ट कचहरी सब डिस्टर्ब हो चुका है। क्यों? क्योंकि कि कोरोना संकट के काल के बाद जौनपुर से चलकर प्रयाग घाट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का समय सारणी बदल दिया गया है। अब 7:05 पर जो भी है 7:00 जौनपुर से चलाई जाती है और मड़ियाहू में 1 से 1.5 घंटा खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से हम सारे रेल यात्री परेशान हैं। इसलिए हम लोग बेबस होकर के माननीय रेल मंत्री महोदय, माननीय चेयरमैन भारतीय रेलवे, जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे, DRM उत्तर रेलवे, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस ट्रेन को जौनपुर से सुबह 5:30 या 5:20 पर चलाई जाए, जिससे कि ये 9:30 ये पहुंचे इलाहाबाद या जन्हई जंक्शन पे क्रॉसिंग हो। हम लोग चाहते हैं क्या कह रहे हैं आप? आप अभी कुछ कह रहे थे सर, बोल रहे हैं कि आप भी टाइम चेंज करवाएं, ठीक है? बंद हो गया, बंद हो गया यार, रुक जाओ। जो हम नहीं, आप जो कह रहे हैं, आपकी समस्या सुनिए। कोरोना संकट काल के बाद ये ट्रेन चलाई गई 7:30 जौनपुर से। इसके पहले जौनपुर से कितने बजे चलती थी? हम बता रहे हैं 5:30 चलती थी, 5:30 चलती थी और जंघई जंक्शन पर ये क्रॉसिंग लेती थी, 9:30 तक इलाहाबाद पहुंचती थी, जिससे कि रेल यात्री सारे कामकाज कर बैठते थे। लेकिन आज कोरोना संकट के काल के बाद से ये गाड़ी डिस्टर्ब कर दी गई, जिससे सारे रेल यात्री परेशान है। मैंने सुनिए, इसका टाइमिंग आपके, आप स्टेशन मास्टर हैं, आप बताएं क्या है? एक मिनट सर ने जो कहा, अभी सर ने कहा कि आंदोलन करके आपने परिवर्तित करा। जी हाँ, मैंने आंदोलन किया था, लेकिन मैंने सुनिए पहले तो, अरे बात तो सुनिए। मैंने आंदोलन किया था प्रयाग घाट से चलकर जौनपुर जाने वाली ट्रेन के लिए भैया, कि प्रयाग घाट से चलकर जो जौनपुर जाती है ट्रेन, उसको 9:00 पहुंचाया जाए। लेकिन हाँ, 9:00 जौनपुर पहुंचाया जाए और रेल मंत्री ने हमारी बात मान करके वो 9:00 पहुंचा दिया, लेकिन इस ट्रेन को उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे रोक दिया मड़ियाहू जंक्शन पर। इसलिए ये ट्रेन के सारे रेल यात्री परेशान हैं।
ये सभी रेल यात्री मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यहाँ स्टेशन मास्टर के सामने कक्ष के सामने खड़े हैं कि जौनपुर से चलकर प्रयाग घाट संगम को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का समय सारणी बदला जाए। इस समय 7:00 ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।